हेलो एवरीवन, तो ये लेक्चर 4 है नेशनलिज्म इन इंडिया एंड हम यहाँ पे देखने वाले हैं हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। ठीक है, तो चालू करते हैं। सो हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, सॉरी, लेट अस जूम इट अ लिटिल बिट, है ना। So let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? What did Swaraj mean to them? ठीक है, तो अभी हम देखने वाले कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने ये मतलब इस नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब सारे जो मूवमेंट थे, इसमें किन किन लोगों ने जो है पार्ट लिया था। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या चाहते थे, उनकी क्या इच्छाएं थी, क्या उनकी ख्वाहिशें थी कि उन्होंने इस मूवमेंट में पार्ट लिया। देखो, सबको देश आजाद नहीं करना था, लाइक वो तो करना ही था, देश के लिए तो करना ही था, बट साथ में उनके अपने फायदे भी जुड़े हुए थे, इस वजह से उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि वो क्या चीजें थी। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। ठीक है, तो अपन ने ये देखा कि अगर हम कंट्री साइड में देखें तो कुछ रिच पीजेंट मतलब कि जो अमीर फार्मर्स थे, थोड़े जो एकदम लो लेवल पे नहीं आते थे फार्मर्स में, सम रिच Peasants, like partidars of Gujarat and the judges of Uttar Pradesh, ठीक है, partidars of Gujarat and judges of Uttar Pradesh were active in the movement. Being producers of commercial crop, जो commercial crop को ये लोग बनाते थे, being producers of commercial crop, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा problem हुई थी, ठीक है, किस वजह से, falling prices की वजह से और ट्रेड के डिप्रेशन की वजह से। एज द कैश इनकम डिसअपीयर्ड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। ठीक है, क्योंकि अब उनका जो कैश इनकम था, जो उनकी इनकम थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, डिसअपीयर हो चुकी थी, तो उनके लिए अब ये बहुत ही भारी पड़ रहा था कि वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू को वापस कैसे लौटाएं, गवर्नमेंट के टैक्सेस को वापस कैसे लौटाएं। And the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. ठीक है, तो जब एक तो वो लोग की इनकम नहीं हो रही थी, अब वो लोग टैक्स कैसे दें, लेकिन गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी, टैक्स को कम करने के लिए तैयार नहीं थी, टैक्स को मना करने के लिए जो है तैयार नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से जो ये पाटीदार्स थे और जो ये जो रिच पीजेंट थे, उनमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा डिबेट्स चल रही थी। दीज रिच पीजेंट्स बिकम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इस वजह से इन रिच पीजेंट्स के पास में एक ही ऑप्शन था कि वो क्या करें, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ दे देते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को अपोज कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अब ये लोग कोई नॉर्मल फार्मर्स नहीं थे, थोड़े रिच फार्मर्स थे। ठीक है, इनके अंडर कई फार्मर्स काम करते थे, तो बेसिकली ये अपनी पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर कर पा रहे थे, मोटिवेट कर पा रहे थे कि तुम भी ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लो। ठीक है, और वो सारी चीजें बॉयकॉट करो जो कि ब्रिटिशर्स की है ना। For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenues. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इन्होंने अपने फायदे की बात की कि fight for Swaraj, यहाँ पे fight हो रही है Swaraj के लिए, full independence के लिए, लेकिन इनका अपना motive क्या जुड़ा हुआ था कि revenue कम देना पड़े या revenue नहीं देना पड़े। ठीक है, क्योंकि income नहीं हो रही है, वो revenue pay नहीं कर सकते हैं, तो इनका motive ये था, लेकिन still ये लोग स्वराज में जुड़ गए, सिविल डिसोबीडियंस में जुड़ गए। ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता था, जो कि सही भी था, कि अगर एक बार हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो हमें उनकी माननी नहीं पड़ेगी, टैक्स नहीं पे करने पड़ेंगे, रेवेन्यूज नहीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। ठीक है, बट वो लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि वायलेंस की वजह से हम सबको पता है गांधी जी ने 1931 में ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसे वापस ले लिया था। ठीक है, उसे विदड्रॉ कर लिया था, उसे कॉल ऑफ कर लिया था, तो वो लोग जो थे बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे कि यहाँ तो रेवेन्यू के रेट्स भी कम नहीं हुए, गवर्नमेंट मानी भी नहीं, गवर्नमेंट डरी भी नहीं, और जो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो भी खत्म हो गया, तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे इस चीज से। सो व्हेन द मूवमेंट वॉज री स्टार्टेड इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट, क्योंकि एक बार उनको ऐसा लगा कि उनका यूज हो गया और कुछ
काम भी नहीं आए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उनका काम हुआ ही नहीं, जिस मोटिव से वो आए थे वो तो हुआ ही नहीं। तो इस वजह से जब 1932 में गांधी जी ने वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया पार्ट लेने से। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, कि कौन वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और उन्होंने कैसे इस मूवमेंट को देखा। तो इसमें ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल है कौन, ये पाटीदार जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये लोग कौन है, रिच पीजेंट्स, रिच फार्मर्स। ठीक है, तो हम ये पहली कैटेगरी है लोगों की कि ये लोगों ने कैसे देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, कैसे देखा इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, इन्होंने स्वराज को ऐसे देखा, फुल इंडिपेंडेंस को ऐसे देखा कि अगर हम इसमें पार्ट लेंगे तो हमारे रेवेन्यू कम होंगे, उनका मोटिव अपना टैक्स कम करना था। ठीक है, और जब ये नहीं हुआ 1931 में मूवमेंट के कॉल ऑफ होने से पहले जब इनका काम नहीं हुआ तो 1932 में जब वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो इन्होंने यू नो पार्ट लेने से मना कर दिया। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल है। अब हम आगे देख रहे हैं कि और कौन कौन से लोगों ने इसमें पार्ट लिया। द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू डिमांड, मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टीवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम्स ड्विंडल्ड, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। ठीक है, तो ये तो रिच थे, रिच फार्मर्स। ठीक है, एक तो कैटेगरी होगी रिच फार्मर्स की। अब थे कुछ पुअर पीजेंट्री, ठीक है, मतलब कि कुछ पुअर फार्मर्स भी थे जो कि सिर्फ रेवेन्यू के लोअर होने से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो पूरा लैंड था वही किसी और से रेंट लिया हुआ था। ठीक है, उनको रेंट भी पे करना था, तो वो सिर्फ रेवेन्यू के पे होने से खुश नहीं थे, उनका डिमांड सिर्फ इतना नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो तो रेंट के उससे चल रहे थे, उन्होंने तो रेंट लिया हुआ था कि रेंट पे जमीन ली हुई थी और उस पे वो लोग कल्टीवेट कर रहे थे और उससे वो लोग कमा रहे थे। जैसे ही डिप्रेशन आया, सो डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम्स ड्विंडल। ठीक है, जब जैसे ही डिप्रेशन हुआ, हम सब जानते हैं डिप्रेशन हुआ, सारी जो ट्रेड था, ठीक है, वो बंद हो गया क्योंकि डिमांड एकदम खत्म हो गई थी। ठीक है, तो इनकम ड्विंडल मतलब कि इनकम एकदम ही खत्म हो गई थी या फिर से डोल रही थी। द स्मॉल टेनेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। अब रेवेन्यू छोड़ो, ये जो स्मॉल टेनेंट थे मतलब स्मॉल पुअर फार्मर्स थे, वो अपना रेंट ही चुका नहीं पा रहे थे। ठीक है, सो दे वर फाउंडिंग डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। दे वॉन्टेड द अनपेड टेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रीमिटेड। दे जॉइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। ठीक है, तो इन्होंने भी बहुत सारे मूवमेंट को ज्वाइन किया इसी होप में, इसी उम्मीद में कि उनके रेंट्स या उनके रेवेन्यूज कम हो जाएंगे। ठीक है, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा लीड करे जा रहे थे ऐसे मूवमेंट। अप्रहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज दे दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस। ठीक है, भले ये इशू कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो कांग्रेस थी, इट वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि वो ये नो रेंट कैंपेन्स चले बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, so the relationship between the poor peasant and congress remained uncertain। इस वजह से जो poor peasant थे और जो congress के members थे उनके बीच में जो relation थी वो uncertain थी, मतलब इतनी पक्की नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उनका जो ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल है, जो पुअर फार्मर्स की कैटेगरी ऑफ पीपल है, इनको स्वराज से मतलब नहीं था, जैसे कि बहुत सारे लोगों को, उनको मतलब था कि उनकी रेंट कम हो जानी चाहिए किसी तरह। नाउ द थिंग इज कि जो रेंट पे ली हुई जमीन है वो ब्रिटिशर्स की नहीं है, ठीक है, वो लैंडलॉर्ड्स की है, ठीक है, वो रिच फार्मर्स की है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू पे रेंट, है ना। बट ऑल दो कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट स्टिल कांग्रेस वर नॉट यू नो सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ कैंपेन्स। What about the business class? देखो, दो category of people हो गए, एक rich farmers, ठीक है, एक poor farmers. अब हम तीसरी category of people को देख रहे हैं. What about the business classes? How did they relate to the civil disobedience movement? During the First World War, Indian merchants and industrialized had made huge profits and income and become powerful. ठीक है, तो अभी बिजनेस क्लास का क्या मतलब है कि वो लोग जो बिजनेस कर रहे थे, जो बेसिकली बिजनेस में थे, जो ट्रेड में थे बेसिकली, ठीक है, तो ये जो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है, तो जो इंडियन मर्चेंट्स थे, मर्चेंट मतलब जो ट्रेडिंग व्रेडिंग करते हैं, और इंडस्ट्रियलाइज मतलब कि जो कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत प्रॉफिट्स कमाए और पावरफुल बन गए, ठीक है, एंड बिकम पावरफुल।
keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. ठीक है, तो keen on expanding their business, ठीक है, अब उनको उनका दे उनको क्या उनको किस चीज से मतलब था कि उनका business बढ़ता रहे धीरे धीरे धीरे. ठीक है, तो उनको problem इससे थी कि जो colonial policies है trade की, ठीक है, जो बिजनेस एक्टिविटीज की कॉलोनियल पॉलिसीज है, इनसे उनको इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि ये इनको बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रही थी. दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड अ रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स. ठीक है, तो ये लोग चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनको ना एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. ठीक है, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जब वो या तो अंदर आ रहा है तो बाहर जा रहा है, जो भी है, मतलब जब भी ट्रेड हो रहा है तो गुड्स की एक अच्छी प्रोटेक्शन होनी चाहिए. टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्मड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI इन 1927. तो प्लीज ये सारी चीजें अच्छे से याद रखना. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब क्या चीज बनी, कब कौन सी चीज चालू हुई की वगैरह वगैरह की डेट बहुत important. ठीक है, To organize business interest, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920. ठीक है, तो business interest के लिए उन्होंने क्या बनाया? Indian Industrial and Commercial Congress 1920 में बनी है ये चीज. And एक और चीज बनी, Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries, FICCI. ठीक है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI. ठीक है, ये कब बनी? 1927 में ये दो चीजें बनी. ठीक है, याद रखना इस चीज को. लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला. ठीक है, तो ये कुछ पर्सनैलिटीज के से लेड किया जा रहा था, मतलब कुछ लीडर्स थे. ठीक है, इस इंडस्ट्रीज के जो कि है पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरलास. ठीक है, ये लोग इसे लेड कर रहे थे. द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च. तो इन लोगों ने भी, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये जो जिन्होंने ये चीजें फॉर्म करी, उन्होंने भी कॉलोनियल कंट्रोल को छोड़ा, उसको अवॉइड करा और इंडियन इकोनॉमी के लिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग दिया, उन्होंने योगदान. सॉरी, व्हाट इज इट हैपनिंग. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया. व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च, जब वो पहली बार लॉन्च हुआ था, दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो इंपोर्टेड गुड्स है उन्हें बेचने या खरीदने से उन्होंने मना किया. मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एट अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने क्या सोचा, स्वराज को कैसे देखा. मोस्ट बिजनेसेस केम टू सी स्वराज एट अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट. मतलब कि जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब कि जो ब्रिटिश ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है इंडिया के बिजनेस पे, इंडिया के बिजनेसमैन पे, ठीक है, इंडियन बिजनेस पॉलिसीज पे, वो जो है वो हट जाएंगी अगर स्वराज आ गया तो. ठीक है, तो ये उन्होंने सोचा. बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक. ठीक है, जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चीज थी, जब ये फ्लॉप चली गई, जो जिसने इसने काम नहीं किया, तो बहुत सारे जो बिजनेस ग्रुप्स थे वो अब उतना एंथुसियास्टिक फील नहीं कर रहे थे. दे वर एप्रिहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन ऑफ बिजनेस एज वेल एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंगस्ट द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस. ठीक है, तो अब उन्होंने वापस अपने बिजनेस की सोचने लगी. उन्होंने सोचा कि ऐसे तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा. उन्होंने सोचा कि काफी टाइम तक हमारा बिजनेस जो है डिसरप्ट रहेगा. ठीक है, तो ये चीज तो काम नहीं आएगी. तो ये इन्होंने सोचा. तो हमने अभी तीन कैटेगरी ऑफ पीपल की देख चुकी है. एक तो रिच फार्मर्स, ठीक है, जिनको रेवेन्यू के कम होने से मतलब था. ठीक है, स्वराज में वो लोग इसलिए जुड़े क्योंकि रेवेन्यू कम करना चाहते थे. पुअर फार्मर्स, वो लोग इसलिए जुड़े स्वराज में क्योंकि वो अपना रेंट कम करना चाहते थे. बिजनेस पीपल्स, वो लोग इसलिए जुड़े स्वराज में क्योंकि उनका बहुत नुकसान हुआ था और वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते थे और कॉलोनियल पॉलिसीज उन्हें ग्रो नहीं होने दे रही थी.
सो अब ये हम आगे पढ़ रहे हैं, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन. ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, ठीक है, जो वर्किंग क्लास थी, नॉट बिजनेस पीपल्स और सम, वन सेकेंड, ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उसने मना कर दिया, सॉरी उसने मना नहीं किया, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा मासेस में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन नहीं हुए. ठीक है, एक्सेप्ट नागपुर में, ठीक है, नागपुर रीजन में बहुत सारे लोग जो थे वो ज्वाइन हुए किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. अच्छा, ये इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास मतलब वो जो कोई बिजनेस नहीं कर रही, जो कोई पेजेंट नहीं है, वो किसी इंडस्ट्री में जाके काम कर रही है. ठीक है, तो वो है वर्किंग क्लास. एज द इंडस्ट्रीज केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलोफ. ठीक है, तो जैसे ही इंडस्ट्रियल्स केम क्लोजर टू द कांग्रेस, जब इंडस्ट्रियल समझ रहे हो ना, मतलब ये ऊपर जो भी बिजनेस क्लास के लोगों की हमने बात की, जब वो कांग्रेस के क्लोज होने लगे, जब वो कांग्रेस पे बिलीव करने लगे, ठीक है, तो वर्कर्स सुन पड़ गए. बेसिकली वर्कर को समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें. बट इन स्पाइट ऑफ दैट, सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. लेकिन इसके बावजूद कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया. सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग of the ideas of Gandhian program. ठीक है, और उन्होंने कुछ ideas भी उठाए. ठीक है, किसके, Gandhian program के, मतलब कि basically गांधी जी ने जो बातें कही वो, like boycott of foreign goods, boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working condition. ठीक है, there were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. ठीक है, तो strikes भी हुए किसके द्वारा, railway workers के द्वारा 1930 में और dock workers के द्वारा 1932 में. तो ये dates please याद रखना. ठीक है, in 1930 thousands of workers in छोटा नागपुर tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. ठीक है, तो 1930 में बहुत सारे workers छोटा नागपुर से, ठीक है, उन्होंने गांधी caps पहने, गांधी जी के cap पहने, और उन्होंने protest में, rallies में और campaigns में पार्ट लिया. बट द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल. इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपेरियल फोर्सेस. ठीक है, तो जो कांग्रेस थी वो इतनी श्योर नहीं थी कि हम जो है वर्कर्स की डिमांड को जो है स्ट्रगल की प्रोग्राम में जोड़ें, मतलब कि हम ये स्वराज की जो मूवमेंट है इसमें हम वर्कर्स की डिमांड को जोड़ें, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वर्कर्स की डिमांड और जो बिजनेस क्लास, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल की डिमांड है, वो दोनों क्लैश ना हो जाए. वो एक दूसरे से क्लैश हो गई तो हमारी जो पार्टी है, हमारा जो कांग्रेस है, हमारा जो मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो मालिक होता है, जो नौकर होता है, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, अब कांग्रेस के साथ दोनों ही लोग मिल रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी और वर्कर्स भी, वो वर्कर्स जो कि इन्हीं इंडस्ट्रियल्स के अंडर काम कर रहे हैं. तो अब इन दोनों के जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं, और इसी का डर था कांग्रेस को. ठीक है, तो ये हमने फोर्थ ग्रुप ऑफ पीपल की पढ़ी, बिजनेस क्लास के बाद इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस जो कि इनके अंडर काम करती है, बिजनेस क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर काम करती है. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. तो अब यहाँ पे बहुत सारी वुमेन्स ने भी पार्ट लिया है. अभी तक हमने वुमेन्स का इतना नाम कहीं देखा नहीं ये नॉन कॉपरेशन में और कहीं पे भी, बट अभी यहाँ पे आया है. सो प्लीज रिमेंबर दैट कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे वुमेन का पार्टिसिपेशन भी हुआ था. ठीक है, ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम. ठीक है, तो गांधी जी के सॉल्ट मार्च के टाइम पे थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब बहुत सारी जो औरतें थी वो अपने घर से बाहर निकली और उन्होंने गांधी जी को सुना. दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट्स एंड पिक्टेड फॉरेन क्लोथ एंड लेकर शॉप्स. तो बेसिकली वो सारे काम जो गांधी जी ने कहे वो इन्होंने करने चालू किए. उन्होंने मार्चेस में पार्ट लिया, मैनुफैक्चर सॉल्ट मैनुफैक्चर किया गांधी जी के साथ. ठीक है, फॉरेन क्लोथ को बायकॉट किया, लेकर शॉप्स बंद हुए, मैनी वेंट टू जेल. ठीक है, और इनमें से बहुत सी वुमेन जेल भी गई. इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज. अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो ये जो वुमेन्स थी वो हाई कास्ट फैमिलीज से थी. ठीक है, मतलब कि बड़ी बड़ी फैमिली से थी. हाई कास्ट समझ रहे हो ना, लाइक ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मतलब इन सारी फैमिली से ये वुमेन्स बिलोंग करती थी. इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड. अगर हम वही रूरल एरियाज की बात करें तो जो रिच पीजेंट्स थे, मतलब कि जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनके घर से ये औरतें आई थी, मूव्ड बाय गांधी जी
Gandhiji's call, moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. Okay, Gandhi ji was convinced that it was the duty of women to look after home and hearth, he be good mothers and good wives, and for a long time the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. ठीक है, तो हर जगह जैसे वुमेन्स का जो यू नो एंट्री होती है उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस होती है, बहुत यू नो बहुत सारे मूवमेंट्स के बाद, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के बाद वुमेन्स कहीं जा पाती है. ठीक है, जब भी किसी नए एरिया में वुमेन्स की एंट्री होती है तो ये इस तरह की चीजें होती हैं. ठीक है, उसके बाद फिर चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है. सो दैट वॉट हैपेंड हेयर टू. ठीक है, गांधी जी के कॉल से बहुत सारे वुमेन्स नेशन वाइड आई, तो लेकिन उनकी फिर भी जो उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी जो नेसेसिटी है, उनको जज किया गया. उसको जज किया गया कि क्या ये जरूरी है. ठीक है, वुमेन्स की प्रेजेंस गांधी जी को बहुत नेसेसरी लगी थी, क्योंकि ये एक सिंबल है कि वुमेन्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए, वुमेन्स को भी स्वराज चाहिए. बट स्टिल उनको कोई अच्छी यू नो पोस्ट नहीं दी गई थी, उनको कोई एकदम रिलक्टेंट पोजीशन नहीं दी गई थी पूरी अथॉरिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, बस उनकी क्या थी, एक सिम्बॉलिक प्रेजेंस थी. ठीक है, उनकी एक सिम्बॉलिक प्रेजेंस थी. ठीक है, ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें. ठीक है, तो ये क्या था, पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, मतलब कि कैसे पार्टिसिपेंट ने इस मूवमेंट को देखा. तो हमने यहाँ पे चार पांच कैटेगरी के लोगों के बारे में देखा. एक तो रिच पीजेंट्स के बारे में देखा हमने, एक पुअर पीजेंट्स के बारे में देखा, उसके बाद एक बिजनेस क्लास. ठीक है, और एक वो लोग जो इन बिजनेस क्लास के अंडर काम कर रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये वुमेन्स. ठीक है, तो बेसिकली आई थिंक 5 पीपल हो गए, है ना, 5 कैटेगरी ऑफ पीपल हो चुकी है इसमें. तो मैं इसके नोट्स बता देती हूँ शॉर्ट में. ठीक है, तो मैं इसके नोट्स बता देती हूँ. How? Saw the moment. ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें कौन थे, रिच पीजेंट्स. ठीक है, रिच पीजेंट थे यहाँ पे. उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको ये प्रॉब्लम थी कि जो यू नो जो हार्वेस्ट थी उसकी जो मतलब जो इंपोर्ट ट्रेड था, ये मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था. ठीक है, जो ट्रेडिंग थी, ठीक है, ग्रेन्स की या किसी भी फार्मिंग प्रोडक्ट की, ठीक है, कि क्रॉप्स की, वो बंद हो चुकी थी. इसके वजह से इनका जो रेवेन्यू था, इनका जो बेसिकली इनकी जो सैलरी थी या इनकी जो इनकम थी, वो बिल्कुल नहीं जनरेट हो रही थी, जिसके वजह से ये रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे. और इनकी क्या डिमांड थी कि रेवेन्यू कम होना चाहिए. ठीक है, बेसिकली क्रॉप्स डिमांड फेल्ड. Which in turn hit these peasants. Right? फिर क्या? There were zero income. That's why they want to be decreased. So they joined this movement. ठीक है,
ये कौन थे? रिच पीजन. ठीक है, अब अपना अब सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल कौन है हमारे? पुअर पीजन्स. दे हैड टुक लैंड ऑन रेंट्स बिकॉज ऑफ नो इनकम. देयर डिमांड वॉज टू स्टॉप गिविंग रेंट. ठीक है, थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल कौन थे? बिजनेस क्लास. ठीक है, तो इनकी क्या प्रॉब्लम थी? द कीन इंटरेस्ट वॉज टू ग्रो देयर बिजनेस. ठीक है, उनका उनका मतलब, तो बस उनका मतलब था अपने बिजनेस को ग्रो करने से. बट कॉलोनियल पॉलिसीज वर नॉट फेवरेबल. दैट्स व्हाई दे जॉइंट स्वराज, है ना. और फोर्थ कौन थे? फोर्थ वर्किंग पीपल, है ना. दे टू जॉइंट स्वराज बट सम ऑफ देम वर नॉट सो श्योर. ऑल्सो वर नॉट विलिंग टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड. ठीक है, और फोर्थ फिफ्थ क्लास, मतलब फिफ्थ कौन थे? वुमेन्स. वुमेन्स जॉइंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. लार्ज स्केल. ठीक है, आई थिंक वुमेन के लिए इतना काफी है. और है ना, तो यही थे पांच कैटेगरी लोगों की. तो अगर पूछें कि कौन कौन लोग थे, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो ज्वाइन हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो ये पांच तरह, ये पांच कैटेगरी ऑफ पीपल है जो कि बेसिकली ज्वाइन हुए थे. ठीक है, ओके. सो हम कहाँ थे? यहाँ पे. तो द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस की क्या लिमिट्स थी वो अब हम देखने वाले हैं. सॉरी, ठीक है.
Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables, who formed around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. ठीक है, तो सारे सोशल ग्रुप, नॉट ऑल, मतलब सारे सोशल ग्रुप इससे, ये कंसेप्ट तो स्वराज से खुश नहीं थे, या मतलब स्वराज की तरफ चले नहीं गए थे. ठीक है, स्वराज में उन्होंने योगदान नहीं दिया था, सारे सोशल ग्रुप ने स्वराज पे योगदान नहीं दिया था, और उनमें से ही एक थे नेशंस के अनटचेबल. ठीक है, देश के अनटचेबल्स. ठीक है, जिन्हें यू नो हुआ अनटचेबल्स, राइट. ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा नीचे कास्ट के होते हैं, और उस टाइम पे लोग उन्हें छूते तक नहीं थे. दे वर कॉल्ड अनटचेबल्स, हु फ्रॉम अराउंड द 1930s हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ऑप्रेस्ड. ठीक है, जो 1930s थे, अपने आप को दलित या फिर ऑप्रेस्ड बोलने लगे थे. ठीक है, फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित for fear of offending the Sanatanis, the conservative high caste Hindus. ठीक है, तो बहुत टाइम के लिए जो कांग्रेस की जो पार्टी थी उसने दलित को इग्नोर किया, दलित पे ध्यान नहीं, दलित पे ध्यान नहीं दिया. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो, क्योंकि उनको, क्योंकि जो हाई कास्ट जो अपनी सोसाइटी थी, उनको दलित पसंद नहीं थे. ठीक है, वो दलित को छूते तक नहीं थे, वो बहुत ही लो कास्ट सोसाइटी थी, लो कास्ट, जो बहुत ही ज्यादा लो कास्ट पीपल थे वो लोग. तो जो यू नो हमारे हाई कास्ट पीपल थे, अगर उनको ये पता चलता कि कांग्रेस में दलित भी मिल गए हैं, दलित को भी इंक्लूड किया गया है, तो हो सकता था कि जो हाई क्लास पीपल है वो कांग्रेस से अलग हो जाए, या फिर यू नो थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती बीच में, वो लोग सही से यू नो योगदान नहीं देते इस मूवमेंट में. इस डर से कांग्रेस में काफी टाइम से जो है ये दलित को इग्नोर किया. ठीक है, बट देन व्हाट हैपेंड, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड. लेकिन महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ये बिलीव करते थे कि अगर ये स्वराज है, अपना जो स्वराज है वो शायद 100 साल तक ना आए, अगर हम ये अनटचेबिलिटी को अपने देश से बाहर ना निकालें. ठीक है, तो स्वराज विल नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड. हम अपने देश से अगर अनटचेबिलिटी को नहीं हटाते तो हो सकता है, सॉरी वन सेकेंड, सॉरी. तो दलित को क्या, हाँ, तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा कि शायद 100 साल तक हम इस अनटचेबिलिटी को नहीं हटा पाएंगे, अगर अनटचेबिलिटी को अगर नहीं हटाएंगे तो हमें स्वराज नहीं मिलेगा. तो अनटचेबिलिटी को जो है हटाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ही कॉल द अनटचेबल्स हरिजन. इस वजह से उन्होंने जो है दलित का सपोर्ट किया, अनटचेबल्स का सपोर्ट किया, एंड ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन. उन्होंने क्या बोला, जो अनटचेबल्स है उनको उन्होंने हरिजन बुलाया. ठीक है, तो हरिजन, द मीनिंग ऑफ हरिजन इज चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ठीक है, यस, ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेंपल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स. ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी, द स्वीपर्स. ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह था उसमें, मतलब ये जो सत्याग्रह किया गया उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी. सबसे पहले तो दलित को उन्होंने हरिजन बुलाया. ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ये जो टेम्पल्स है, एक्सेस मतलब पब्लिक वेल्स है, टैंक्स है, रोड्स है, स्कूल्स है, इन सब में जो है ये दलित, इनकी एंट्री होना जरूरी है. ठीक है, मतलब ये इनको अगर हम बायकॉट करके रखेंगे तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी. तो उन्होंने खुद अपने हाथों से टॉयलेट्स तक साफ किए. ठीक है, ताकि वो डिग्निफाई कर सके एक भंगी का काम, स्वीपर का काम. ठीक है, जो साफ सफाई करते हैं उन लोगों का काम, कि ये काम भी रिलेवेंट काम है और ये काम भी जरूरी काम है. इसलिए गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स तक साफ किए. ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज ट्रू. लाइक अगर आप इस तरह के लोगों को, इस तरह के लोगों को अपनी सोसाइटी से एलिमिनेट कर दोगे तो हु विल डू दिस काइंड ऑफ वर्क अगेन. कुछ ना कुछ लोगों को सामने आना पड़ेगा जो इस तरह का काम करेंगे, और फिर जो लोग इस तरह का काम करेंगे आप फिर से उनको दलित बुला दोगे, आप उनको स्लो कास्ट बुला दोगे. दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. इसलिए ये सारी चीजें जो है करी गई. एंड पर्सुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द साइन ऑफ अनटचेबिलिटी. और गांधी जी ने जो अपर कास्ट के लोग थे उनको भी ये समझाया कि अपने हार्ट से जो अनटचेबिलिटी की जो ये नेगेटिव फीलिंग है इसे हमें हटाना चाहिए. ठीक है,
But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problem of the community. लेकिन बहुत सारे जो दलित लीडर्स थे, दलित के जो लीडर्स थे, were keen on a different political solution. ठीक है, उनको एक उनको कोई और solution चाहिए थी, उनको कोई और political solution चाहिए थी इस community के problem के लिए, untouchability वाली problem के लिए. They begin organizing themselves, demanding reserved seats in educational institution and a separate electorate that would choose Dalit members for legislative council. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि उनको रिजर्व सीट चाहिए थे, जो भी ये लो कास्ट पीपल थे, जो भी दलित थे, उनको रिजर्व सीट्स चाहिए थी कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. ठीक है, और इनको एक अलग मेंबर चाहिए था जो कि इनमें से चूज करेगा लेजिस्लेट इनके इनमें से मेंबर्स चूज करेगा किस लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए. ठीक है, तो ये उनकी डिमांड थी कि ऐसा होना चाहिए, तभी जो कम्युनिटी से ये जो लो कास्ट की प्रॉब्लम है वो खत्म हो पाएगी. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज. ठीक है, तो उन्हें लगा कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, अगर उन्हें पॉलिटिक्स में आने देंगे और पॉलिटिक्स में अच्छी पोजीशंस अगर दलित्स को मिलेगी, तो उन कम्युनिटी जो उनको ऐसे नीचे नजरों से देखती है, शायद वो बंद हो जाएगा, शायद क्या वो बंद हो ही जाएगा. ठीक है, ऑब्वियसली बात है. ठीक है, दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज देयर फॉर लिमिटेड, पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो जो दलित का पार्टिसिपेशन था, दलित का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो काफ़ी लिमिटेड था, काफ़ी कम था, और खास करके महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में. ठीक है, वो ये जो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाइट क्वाइट स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, बट स्टिल जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी लिमिटेड था. ठीक है, इतना हो गया. ठीक है, डॉक्टर इसमें से मैं बता दूँ क्या इम्पोर्टेंट है, लास्ट में कर लेंगे ये वाला ख़त्म होने के बाद. ओके, प्लीज़ ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो थोड़े इम्पोर्टेंट लोगों के नाम है, वो प्लीज़ याद कर लेना. ठीक है, और हाँ, ये हरिजन वाला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों दलित को यू नो इंक्लूड किया गया कांग्रेस में, क्यों ये चीज़ ज़रूरी थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों ज़रूरी थी दलित को इंक्लूड, क्यों, क्योंकि तुम किसी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को छोड़ नहीं सकते. गांधी जी को पूरे इंडिया को साथ में लाना था, वो किसी को छोड़ना नहीं चाहते. जब पूरा इंडिया मिलके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ देता, तभी जो है हमें स्वराज मिल सकता था, इसीलिए ये चीजें हुई. ठीक है, तो है ना, यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशंस इन 1930 क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित. ठीक है, तो जो डॉक्टर बी आर, प्लीज ये नाम अच्छे से याद रखना, ठीक है, सुना ही होगा, बट स्टिल जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, जो हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1930. ठीक है, जिन्होंने दलित्स को ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में 1930 में, तो प्लीज ये याद रखना, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने दलित को ऑर्गेनाइज किया था, उनकी महात्मा गांधी के साथ थोड़ी मतभेद हो गई. दे क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वक्त जो अम्बेडकर जी थे, उनकी महात्मा गांधी से थोड़ी सी अनबन हो गई, बट क्योंकि वो चाहते थे, बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि उनकी एक सेपरेट इलेक्ट्रेट्स होनी चाहिए, मतलब कि दलित के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स होनी चाहिए. ठीक है, वो ऐसा चाहते थे. ठीक है, हम बी आर अम्बेडकर ऐसा चाहते थे. When the British government considered Ambedkar demand, Gandhi ji began a fast unto death. ठीक है, तो जब British government ने ये जो अम्बेडकर की जो डिमांड थी उसको कंसीडर, मतलब कि उसको इतना कंसीडर नहीं किया. ठीक है, तो ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्ट्रेट्स फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रिटी इनटू सोसाइटी. ठीक है, तो गांधी जी को ये लगने लगा कि अगर ये चीज़ हो गई तो दलित्स का जो प्रोसेस, दलित की जो इंटीग्रिटी है सोसाइटी में, वो स्लो डाउन हो जाएगी. ठीक है, इट वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो इस बात को मानने के लिए इतना रेडी नहीं
ठीक है, लेकिन गांधी जी को यही चीज का डर था कि अगर ये बात नहीं मानी गई तो हो सकता है कि जो दलित्स होंगे वो हम इस ऑर्गेनाइजेशन में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे, सोसाइटी से मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन एंड द रिजल्ट वॉज द पूना पैक्ट ऑफ सेप्टेम्बर 1932। ठीक है, तो जो अंबेडकर थे उन्होंने अल्टीमेटली गांधी जी का पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया और इसका रिजल्ट क्या हुआ, पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो प्लीज ये डेट्स याद रखना, ठीक है, कब पूना पैक्ट ऑफ सितंबर कब 1932। ठीक है, तो पूना पैक्ट था वो कब हुआ था, सितंबर 1932 में, तो ये याद रखना। इट गेव द डिप्रेस क्लास लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल्ड क्लास, ठीक है, यू नो एससी एंड एसटी। ठीक है, तो जो ये जो डिप्रेस क्लास थी, रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इससे हुआ ये कि जितने भी डिप्रेस क्लास थे, जितने भी शेड्यूल्ड क्लास थे, उनके लिए क्या हुआ कि ये उनको रिजर्व सीट मिल गई। कहाँ पे? प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनको रिजर्व सीट्स मिल गई। ठीक है, तो ये था पूना पैक्ट, ठीक है, जो सितंबर 1932 में बनाया गया था। ठीक है, दे बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय जनरल इलेक्टोरेट। ठीक है, बस लेकिन उनकी वोटिंग वैसी होगी जैसे कि एक इलेक्शन में होती है। द दलित मूवमेंट हाउ एवर कंटिन्यूड टू बी एप्रेहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो जो दलित की मूवमेंट थी वो अभी भी जो थी वो थोड़ी एप्रेहेंसिव थी, ठीक है, कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट लेड किया था उससे। ठीक है, तो इतना था। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो ये बता रहा है कि हमारी लिमिट कितनी है बेसिकली। ठीक है, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स पर, हाँ, तो बहुत जो अभी तो यहाँ पे बेसिकली अनटचेबल्स की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ अनटचेबल्स का रोल क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, या फिर दलित का रोल क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, हाउ गांधी जी ने कैसे अनटचेबल्स की हेल्प करी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें इसी पैराग्राफ को वहाँ पे लिखना है, बेसिकली इसी पैराग्राफ से तुम्हें आंसर्स मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि जो दलित्स थे, ठीक है, सारी जो हर तरह की सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के हर सेक्टर ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था, उनमें से एक थे अनटचेबल्स। ठीक है, कांग्रेस भी दलित को इग्नोर करती आई थी। क्यों इग्नोर करती आई थी, क्योंकि लोगों को, मतलब कांग्रेस को ये डर था कि कहीं अगर दलित्स आ गए तो जो हमारी रिच क्लास सोसाइटी या फिर जो हाई कास्ट सोसाइटी है, कहीं उनको प्रॉब्लम ना हो जाए और वो कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। डिसइंटीग्रेट मतलब कि कहीं वो अलग ना हो जाए हमारे कांग्रेस से। तो ये डर था किसको, कांग्रेस मेंबर्स को। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट किया कि नहीं, एक्चुअली ये चीज़ होनी चाहिए, लाइक दलित्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। उन्होंने सारे अनटचेबल्स को, बेसिकली दलित्स को हरिजन का नाम दिया। हरिजन का मतलब चाइल्ड ऑफ गॉड। ठीक है, तो उन्होंने हरिजन का नाम दिया। उन्होंने बोला कि टेम्पल्स में, पब्लिक वेल्स में, रोड्स में, स्कूल्स में, हर जगह उनका आना जाना नॉर्मल कर देना चाहिए। बिल्कुल भी उसके लिए हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, गांधी जी ने इतना, मतलब खुद टॉयलेट्स तक क्लीन किया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये जो काम है ये छोटा नहीं है। तो इन्होंने इस तरीके से अनटचेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश की और उन्हें अपनी कम्युनिटी में किसी तरह इंटीग्रेट करने की कोशिश करी। लेकिन जो दलित्स थे, उन्होंने बोला कि हमें एक दूसरा पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए, हम ऐसे खुश नहीं रह सकते। तो उन्होंने एक अलग पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। वो पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या था कि हमें हर चीज में रिजर्व सीट चाहिए, मुझे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व सीट चाहिए, और जो अगर हम कभी लेजिस्लेटिव में जा रहे हैं, हमारे मेंबर्स लेजिस्लेटिव के लिए भी एक लेजिस्लेटिव में जाएंगे तो वहां पे भी हमारे लिए एक रिजर्व सीट होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव में भी हमारे मेंबर्स के लिए, दलित मेंबर्स के लिए एक रिजर्व सीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उनकी मांगे थी। ठीक है, उसके बाद बी आर अम्बेडकर की चीज हुई कि बी आर अम्बेडकर जो थे उनकी गांधी जी के साथ हल्की सी लड़ाई हो गई थी। ठीक है, कब? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था उस वक्त, क्योंकि उनका क्या डिमांड था कि हमारा सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है,
तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस डिमांड को इतना कंसिडर नहीं किया, और इस बात से जो गांधी जी थे उनको उनको बहुत डर लगा, क्योंकि अगर दलित की ये डिमांड पूरी नहीं होगी तो दलित जो है हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, बेसिकली डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, हमारे कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे नहीं, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए एक पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 में बनाया गया, बेसिकली एक एग्रीमेंट बनाया गया कि इसने डिप्रेस क्लास, बेसिकली जो शेड्यूल क्लास है उनको रिजर्व सीट्स दी, ठीक है, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है, बट उनको वोटिंग कैसे मिलेगी, जैसे नॉर्मली मिलती है जनरल इलेक्टोरेट में उनको वोटिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें हुई, ठीक है। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा देती हूँ। सबसे पहले तो ठीक है, उसमें सबसे पहला पॉइंट, फर्स्टली अनटचेबल्स वर नॉट टेकिंग पार्ट इन द मूवमेंट, कांग्रेस टू इग्नोर्ड देम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट देन गांधी जी found the necessity Dalits in the movement Gandhi ji named them हरी जेंट्स, व्हाट्स मीनिंग अ चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है। तो इतनी चीजें हुई, देन व्हाट हैपेंड, बट दलित्स लेड बाय बी आर अम्बेडकर डिमांड फॉर रिजर्व सीट्स इन पॉलिटिकल पोजिशंस, दस पूना पैक्ट वॉज मेड इन सितंबर व्हेन 1932 व्हिच गेव देम रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सॉरी एंड सेंट्रल काउंसिल, ठीक है। हम आगे पढ़ लेते हैं।
आगे पढ़ लेते हैं आप। तो सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया वर ऑल्सो ल्यूकवॉर्म इन देयर रिस्पॉन्स, ल्यूकवॉर्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ल्यूकवॉर्म इन द रिस्पॉन्स मतलब कि इन्होंने इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया किसने, सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट अलाइंटेड फ्रॉम द कांग्रेस। फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। ठीक है, तो 1920s से मिड 1920s से जो कांग्रेस काफी ज्यादा हिंदूज को सपोर्ट करने वाली दिखी, मुस्लिम्स को। ठीक है, as a relation between Hindu and Muslim worsened, each community organized religious processions with militant fervor फेवर, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स इन वेरियस सिटीज। तो फिर क्या हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच का रिलेशन था वो धीरे धीरे खराब और खराब होता गया। इस वजह से सबकी अपनी अपनी यू नो पॉलिटिकल पोजीशंस बनने लगी। ठीक है, मुस्लिम्स की अलग पॉलिटिकल पोजीशन बनने लगी, हिंदूज की अलग, और इस वजह से काफी ज्यादा क्लैशेस हुई और बहुत ज्यादा राइट्स भी हुए। ठीक है, ठीक है, और इस वजह से बहुत ज्यादा डिस्टेंस हुआ दो कम्युनिटी के बीच में। The Congress and the Muslim League made effort to renegotiate and alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. The important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. ठीक है, तो अब ये लोग ये सोच रहे थे कि जो ये मेन रीजन था क्लैश का वो ये था कि अब इनको इस बात का डर था कि क्या होगा फ्यूचर में, कौन मेन अथॉरिटी बनेगा, क्या मुस्लिम में से कोई मेन अथॉरिटी बनेगा या फिर कोई हिंदू में से मेन अथॉरिटी बनेगा इंडिया का, तो इस बात की जो थी प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये सोच रहे थे कांग्रेस लीडर्स ने, बहुत ज्यादा सोचा इनको वापस से एकजुट करने में। ठीक है, इनको वापस से एक एक यू नो एक अम्ब्रेला के अंडर लाने में। ठीक है, बट ये यूनिटी हो नहीं पा रही थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिना वन ऑफ द लीडर्स मोहम्मद अली जिना वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट्स इफ मुस्लिम्स वर अशोर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिजर्वेशंस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंसेस। तो अब जो हमारे मोहम्मद अली जिना थे, इन्होंने क्या बोला कि इनका एक सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए, मतलब बेसिकली एक सेपरेट इलेक्शन होनी चाहिए, और इनका जो रूल होना चाहिए वो उन उन रीजन्स पे होना चाहिए जहां जहां पे मुस्लिम की जो यू नो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो ये कौन चाहते थे, मोहम्मद अली जिना चाहते थे कि वहां वहां पे जो इलेक्शन है वो डिफरेंट तरीके से हो, जहां जहां मुस्लिम की जो कम्युनिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि बंगाल एंड पंजाब। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे जो जिना साहब थे, इन्होंने बोला कि मुस्लिम लीग के लिए क्या होना चाहिए, एक सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए और सेंट्रल असेंबली में, एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन और टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंसेस। ठीक है, वहां वहां पे जहाँ पे जो मुस्लिम डोमिनेंट प्रोविंसेस है वो ज्यादा है। बंगाल एंड पंजाब। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपीयर्ड व्हेन एम आर जयाकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज एफर्ट एट कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो ये जितने भी नेगोशिएशन थे, ठीक है, वो सारे खत्म हो गए। ठीक है, कब खत्म हो गए, जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ 1928 में, और एम आर जयाकर जो कि हिंदू महासभा के मेंबर थे, उन्होंने बोला, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज कर दिया कॉम्प्रोमाइज करने से। ठीक है, When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities alienated from the Congress, alienated from the Congress. Large section of Muslims could not respond to the call for a united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within Indian. They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under domination of a Hindu majority. तो बहुत जब civil disobedience movement वापस चालू हुआ, तो बहुत सारे जो Muslims थे, वो इन्होंने part नहीं लिया, उनको suspicious लगने लगा।
ठीक है, स्टार्टेड बहुत उनको सस्पिशियस लगने लगा, डिस्ट्रस्ट, मतलब कि उनको इतना ट्रस्ट नहीं था कम्युनिटीज पे, उनको ऐसा लगने लगा कि हम मुस्लिम जो थी वो कम्युनिटी थी, तो बेसिकली उनको ऐसा लगने लगा कि इस देश में जो है जो सॉरी कम्युनिटी बोल रहा हूँ, जो एक डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं थी, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, तो उनको ऐसा लगने लगा कि भाई माइनॉरिटीज की रक्षा ना हो या फिर माइनॉरिटीज का इस देश में शायद ख्याल ना रखा जाए, ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने इतना पार्ट नहीं लिया, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बता दूं, मुस्लिम कम्युनिटीज ऑल्सो डिडंट टुक पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉट ऑल बट सम ऑफ देम। दे वर डिमांडिंग सेपरेट इलेक्शंस फॉर Muslims, Muslim provisions, areas basically. But in a all party conference, M.R. Jayakar refused to compromise. Thus, this time, these communities took part in masses. Because of distress, ठीक है, तो ये थे important points, ठीक है, इसके आगे का अपन अब अगले video में करेंगे, ठीक है, चलो टाटा।